बलात्कारी आसाराम के बेटे नारायण साई को रेप के मामले में सूरत की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि नारायण साई को 26 अप्रैल को सूरत में रहने वाली दो बहनों के बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था। इस मामले में सजा का ऐलान आज हुआ है। नारायण साई की सजा के ऐलान को लेकर सूरत पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस ने कोर्ट के आसपास किलेबंदी की थी। पुलिस ने ये कदम नारायण साई के समर्थकों के पहुंचने की संभावना को लेकर उठाया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान परिसर में खासी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। नारायण साई के खिलाफ सूरत की रहने वाली दो बहनों ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साई के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की है, जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। नारायण साई और आसाराम के खिलाफ रेप का एक केस करीब 11 साल पुराना है। आसाराम के खिलाफ फिलहाल गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है। नारायण साई के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं जिन्होंने नारायण साई को लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए देखा या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए। जैसे ही नारायण साई के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ वो अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार लोकेशन बदल रहा था। तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने नारायण साई को गिरफ्तार करने के लिए 58 अलग अलग टीमें बनाई और तलाशी शुरू कर दी। नारायण साई को 2013 में हरियाणा दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।